हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सन कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, यह है वन लाइनर टेक न्यूज का 24th एपिसोड। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए यहां पर पूरे दिन भर के कुछ एक जो है इंपॉर्टेंट टेक न्यूज लेकर आया हूं, और ये जो टेक न्यूज होने वाली वो मैं आप लोगों को काफी शॉर्ट में देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप रोजाना ऐसी ही टेक न्यूज चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे जो है यहाँ पर कुछ मोटिवेशन मिले और रोजाना मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टेक न्यूज ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वन लाइनर टेक न्यूज का ये एपिसोड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, यहां पर पहली जो न्यूज आ रही वो व्हाट्सएप की तरफ से आ रही कि व्हाट्सएप को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो जितने भी यहां पर मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं व्हाट्सएप पर, उनमें काफी ज्यादा ऐसे मैसेज होते हैं जो कि या तो फेक होते हैं या वो मिसलीडिंग होते हैं, तो इस तरह के मैसेज पर किस तरह से रोक लगाई जाए, तो व्हाट्सएप को इस बारे में जो है विचार करने के लिए कहा है। तो अब व्हाट्सएप जो है कुछ रिसर्च यहां पर करने वाला है कि ऐसे जो मैसेज हैं वो क्यों यहां पर जो है सर्कुलेट किए जाते हैं। दोस्तों, अगली जो न्यूज आ रही है यहां पर वो आ रही है एक नए स्मार्टफोन जो कि आयुमी की तरफ से लॉन्च किया गया है, आयुमी i2 Lite। जी हाँ दोस्तों, आयुमी i2 Lite आज लॉन्च कर दिया है इंडिया में, और इसका जो प्राइस है वो है यहाँ पर 6,499 रुपए। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल 4G और डुअल कैमरा सेटअप मिलता है रियर में। साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 2GB का रैम मिलेगा, 16GB का इंटरनल स्टोरेज इस फोन में आपको मिलने वाला है। इस फोन में आपको जो है 5.45 इंच की एक HD+ डिस्प्ले मिलने वाली, जो कि आपकी फुल व्यू डिस्प्ले होने वाली, यानी कि यहाँ पर आपको 18:9 वाली डिस्प्ले मिलेगी। बात की जाए यहाँ पर कैमरा की, तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें डुअल कैमरा आपको रियर में प्रोवाइड किया गया है। जो मेन सेंसर होने वाला वो आपका 13 मेगापिक्सल का होगा, जबकि जो सेकेंडरी सेंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो 2 मेगापिक्सल का प्रोवाइड किया जा रहा है, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। और यहाँ पर जो बैटरी होने वाली वो 4000 mAh की बैटरी इस फोन में प्रोवाइड की जा रही है। तो फोन के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से फोन का प्राइस यहाँ पर काफी अच्छा रखा गया है, 6,499 रुपए। दोस्तों, आज की जो नेक्स्ट न्यूज आ रही वो आ रही यहाँ पर आइडिया की तरफ से कि आइडिया ने अपना एक प्लान रिवाइज किया है 199 रुपए वाला। पहले इस प्लान में आपको रोजाना 1.4GB डेटा मिलता था, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलते थे, और पर डे 100 SMS मिलते थे। लेकिन अब आइडिया के इस 199 रुपीज वाले प्लान में कुछ सेलेक्टेड यूजर्स को रोजाना 2GB डेटा दिया जा रहा है, यानी कि ये प्लान सभी लोगों के लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ ही लोगों को ये प्लान दिया जा रहा है जहां पर आपको रोजाना 2GB डेटा मिलेगा। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स दिए जा रहे हैं वो कुछ लिमिटेशन के साथ में दिए जा रहे हैं, यानी कि आप पूरे दिन के दौरान में जो है 250 मिनट यूज कर सकते हैं, या पूरे वीक के दौरान आप 1000 मिनट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है यहाँ पर एयरटेल की तरफ से कि एयरटेल ने भी अपने 2 पोस्टपेड प्लान जो है आज रिवाइज किया, और पहले की अपेक्षा अब आपको इनमें काफी ज्यादा डेटा दिया जा रहा है। तो एयरटेल ने यहाँ पर जो पहला प्लान रिवाइज किया है वो यहाँ पर 799 रुपीज वाला रिवाइज किया है। पहले इस प्लान में एयरटेल आपको 40GB डेटा देता था, लेकिन अब इस प्लान में आपको मिलेगा 100GB डेटा। साथ में जो दूसरा प्लान रिवाइज किया गया वो यहाँ पर 1199 रुपीज़ वाला रिवाइज किया गया। पहले इस प्लान में एयरटेल की तरफ से आप लोगों को जो है 90GB डेटा दिया जाता था, लेकिन अब इस प्लान में एयरटेल की तरफ से आपको 120GB डेटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ प्लान यहाँ पर एयरटेल की तरफ से आज रिवाइज किए गए हैं। अगली जो न्यूज आ रही वो यहाँ पर ASUS के Zenfone 5G को लेकर आ रही, जो कि आज इंडिया में लॉन्च किया गया है, और इसमें आपको वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको काफी ज्यादा AI के फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। फोन के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, जिसमें फोन के बारे में मैंने जो है सब कुछ डिटेल में बताया है, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर फिलहाल देख सकते हैं। फोन का जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो 6GB रैम वेरिएंट है, जिसमें आपको जो है 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, उसका प्राइस यहाँ पर 29,999 रुपीज़ है। और दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड वेरिएंट है, जिसमें आपको 6GB का रैम मिलेगा, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, उसका प्राइस यहाँ पर 32,999 रुपये है। जबकि जो यहाँ पर जो हाई एंड वेरियंट है सबसे, वो है यहाँ पर 8GB रैम वेरियंट वाला, उसमें आपको जो है 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और उसका प्राइस है यहाँ पर 36,999 रुपए। ये फोन आपके फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होंगे 9 जुलाई से। दोस्तों, आज की अगली न्यूज आ रही है यहाँ पर ASUS की तरफ से कि आप काफी ज्यादा यहाँ पर जो है लोग चाह रहे थे कि ASUS Zenfone Max Pro M1 का जो 6GB रैम वेरियंट वो यहाँ पर लॉन्च किया जाना चाहिए। तो आज जब ASUS Zenfone 5G लॉन्च किया गया, तो उसी इवेंट में बताया गया कि इसी महीने में, यानी जुलाई के दौरान, आपको जो है ASUS Zenfone Max Pro M1 का 6GB रैम वेरिएंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट पर 14,999 रुपए में। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से कि Xiaomi ने यहाँ पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें बताया है कि जो Mi Mix 3 लॉन्च किया जाने वाला है वो अब सितंबर 2018 में लॉन्च किया जाएगा।
दोस्तों अगली न्यूज भी यहां पर Xiaomi की तरफ से आ रही है कि Xiaomi यहां पर जो MIUI 10 का चाइना डेवलपर रोम है उसके लिए जो सेकंड बैच वाले डिवाइस है उनके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और सेकंड बैच में जो डिवाइसेज है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहां पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को लेकर जिसे 9 अगस्त को लॉन्च किया जाने वाला है तो उसमें जो कलर वेरिएंट्स होने वाले हैं वो यहां पर लीक किए गए हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर आपको ब्लैक ग्रे पर्पल ब्लू और ब्राउन कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में। दोस्तों आज की जो लास्ट न्यूज आ रही है वो यहां पर नेटफ्लिक्स की तरफ से आ रही है कि नेटफ्लिक्स यहां पर एक नया पैक लेकर आने वाला है जो कि यहां पर अल्ट्रा HD पैक होगा और इसका जो प्राइस होने वाला है वो 16.99 यूरो होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ एक वन लाइनर टेक न्यूज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर कहीं पर भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।